नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रतिया के व्यापार मंडल चुनाव को लेकर विवाद चल रहा है। दूसरे पक्ष की ओर से बनाई गई कमेटी को नाजायज बताया जा रहा है। एक पक्ष की ओर से घोषित व्यापार मंडल के प्रधान राजू लाली के नेतृत्व में कई व्यापारियों ने 20 मार्च को होने वाले चुनावों पर एतराज जताया। SDM, मार्केट कमेटी के सचिव और शहर थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि अब अनाज मंडी में चुनावों की जरूरत नहीं है, इसलिए माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। व्यापार मंडल के प्रधान राजू लाली, पूर्व प्रधान अमन जैन, सोनू जिंदल, संजय मोदी, सुभाष सिंगला और अन्य व्यापारियों के दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि व्यापार अनाज मंडी के व्यापारियों की ओर से राजू लाली को सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गया है। राजू लाली के समर्थन में अनाज मंडी के रजिस्टर पर 225 व्यापारियों ने लिखित में अपने हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन अब कुछ व्यक्तियों की ओर से अपने स्तर पर ही 5 व्यक्तियों की कमेटी बनाकर 20 मार्च को चुनाव करवाया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी के ज़्यादातर व्यापारी राजू लाली पर सहमत हो चुके हैं। ज्ञापन में राजू लाली ने बताया कि उनका व्यापार मंडल रजिस्टर्ड नहीं है, व्यापारियों की ओर से उन्हें प्रधान बनाया जा चुका है। अब किसी प्रकार का कोई चुनाव न करवाया जाए, इस बारे में जब मार्केट कमेटी के सचिव यशपाल मेहता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज कुछ व्यापारियों ने उन्हें चुनाव रोकने के लिए ज्ञापन दिया है, लेकिन इस चुनाव से मार्केट कमेटी का सीधा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि व्यापार मंडल रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, इसलिए दिए गए ज्ञापन को उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। आज आप मार्केट कमेटी में आए हो, क्या उद्देश्य है? मेरा मेन उद्देश्य तो ये है कि मैंने कमेटी को अवगत कराया है सेक्रेटरी साहब को कि मैं प्रधान होते हुए हमने जो मंडी के भाईचारे के लिए सर्वसम्मति के लिए प्रधान चुनने की जो कार्रवाई डाली थी वहाँ पर कोई सहमति ना बनने के बाद तो जो डेट्स अनाउंस की थी उसके बाद 9 तारीख को मैंने कार्यवाहक के पद से भी इस्तीफा देते हुए 5 मेंबरीय कमेटी एक नामित कर दी थी। उस कमेटी के जो नामित की थी आगे की कार्रवाई उनको करने के लिए दी थी। उस कमेटी के बाद भी कोई एक कमेटी और बनी है, वो मेरे संज्ञान में नहीं है और मेरे ख्याल से जो वो कमेटी बनाई गई है वो नजायज बनाई गई है, ये मामला है। तो इसको लेकर आज आपने कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया? नहीं, ज्ञापन मैंने मेरे को बुलाया गया था सेक्रेटरी साहब से सारा काम पता करने के लिए भी ये इसमें ये मामला क्या है, तो मैंने उनको अवगत करवा दिया। अभी मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया था और 5 मेंबरों की कमेटी बना दी थी। उसके बाद उन्होंने अपने 5 मेंबरों की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो क्या है वो भी उन्होंने दी है और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है उसका हमारे को कोई पता नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ। 5 मेंबरों की मैंने कमेटी बनाई थी कार्यवाहक पद से इस्तीफा देने बाद, उन्होंने ये फैसला लिया भी अब ये कोई हम इलेक्शन करवाने के में असमर्थ हैं क्योंकि एक पार्टी ने अपना सर्वसम्मति का प्रोग्राम किया है और उसने सर्वसम्मति साबित की है, तो उसके बाद जो कमेटी आगे बनी है वो किस बिहाफ पे बनी है, कौन पावर है उसकी, उनके पास क्या औचित्य है पावर मंडी में कमेटी बनाने का, ये हमारे समझ से परे है। किस पावर पे वो आगे की कार्रवाइयाँ करा रहे हैं वो हमारे समझ से परे। इसको लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की जो मेरे से पूछा गया था प्रशासन द्वारा भी ये प्रोसीजर कैसे, मैंने उनको अवगत करवा दिया, आगे प्रशासन देखेगा कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।